हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ प्राकृतिक चीज़ों से मैं मिलवाता हूं। जैसे अभी स्काई में आप देख रहे हैं, इवनिंग का समय हो चुका है और ये अलग अलग कलर के आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको अपने छत से रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं और ऊपर चलता हूँ, देखिए ये सब बादल है समूह में। आप चारों तरफ देखिए, अभी थोड़ा सा सनलाइट भी है, सनलाइट की तरफ मैं अभी आपको ले चल रहा हूँ। देखिए इधर जो है अभी सनलाइट की वजह से थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा लग रहा है, सनसेट अब होने वाला ही है, आप सभी देख रहे हैं। इधर देखिए, इधर जो है अपने स्काई में जो है क्लाउड्स का इसीलिए कुछ अलग ही है, नीला कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, कई सारे कलर वाइट में भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर जो है हमारे स्काई में दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ मून से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये मून है, आप सभी देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मून को स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप आसानी से मून को भी देख रहे हैं, आप कुछ पंछी को भी उड़ते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पंछी एकदम उड़ते हुए, आप शाम हो रहा है ना, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, घोंसले की तरफ। देखिए अन्य पंछियों को भी आप देख सकते हैं, ये देखिए धीरे 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 वापस अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। देखिए अब हमसे अब देख नहीं पा रहे हैं, अभी आप लोग इधर देख सकते हैं कुछ काला काला बादल। ठीक है, आप ऊपर में अभी मून को मैंने दिखाया ही है, मून को आप देखे हैं। जैसा कि मून जो हैं वो पूरे दिन भर निकले रहते हैं, बट सन का जो लाइट होता है इतनी ज़्यादा होता है कि उनकी लाइट नहीं दिख पा, स्टार्स भी देख पा रहा हूँ जो दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो उतना स्पष्ट इस वीडियो में नहीं दिख पा रहे हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं ये क्लाउड को घने बादल जो है बिखरे हुए हैं, और यही बादल जब धीरे 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 क्या होता है, हेवी होता है, अर्थात डस्ट पार्टिकल से और ये वाटर वेपर से जब हेवी होता है तो फिर ये वर्षा के रूप में धरती पर जो है आता है। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं। मैं सोचा कि ये अच्छा पल आप सभी से शेयर करूं। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इन्होंने अचानक बोला ये देखिए देखिए जो है सर ये आसमान में भी लग रहा है कि कीचड़ सा हो गया है। ठीक है, हम के हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक कक्षा 2 की छात्रा है ईशिता, इन्होंने बताया कि सर ये आसमान में लग रहा है कि कीचड़ हो गया है। तो मुझे मन में आया कि हाँ थोड़ा इसका वीडियो भी बनाते हैं, इनका थिंकिंग भी एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि इतना बादल जो आसमान में आ गया है तो लग रहा है कि आसमान साफ नहीं है और इसमें ये कीचड़ जैसा हो गया है। अभी ईशिता से भी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आज मून कितने खूबसूरत लग रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा आपको लगा कि आसमान में कीचड़ सा हो गया है? क्यों ऐसा लगा? एकदम बादल बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं ना, अलग अलग कलर में। अच्छा, चंदा मामा को भी आपने देखा? तारा भी देखा आपने? तारा दिखाई दे रही है ना अभी? एक तारा दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जैसे जैसे अंधेरा होगा ना तो तारा भी दिखने लगेंगे, जैसे सनसेट हो गए ना, तो सनसेट हो गए तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे सनसेट होते गए उसी तरह से आप जो है चंद्रमा आपको दिखने लगे, और फिर धीरे धीरे अभी सन का लाइट कुछ कुछ है वो भी जब समाप्त हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा कि आसमान में बिल्कुल तारा आपको दिखाई देने लगेंगे, और बादल भी थोड़ा सा है इसलिए बादल में तारे नहीं दिखे। हाँ, जब अंधेरा होता है तो मून और तारे दिखते हैं। अभी अभी नहीं, रात में।
हाँ, रात में आपको कौन कौन दिखाई देते हैं? मून और तारे। मून और तारे दिखाई देते हैं। हाँ, वेरी गुड। और सन कब दिखाई देते हैं? सन शाम को। सन शाम को दिखाई देते हैं? नहीं, सुबह में।